वेलकम मेहसाक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज़, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि फरदीन खान पिछले 10 सालों से बॉलीवुड से गायब है। हालांकि अब फरदीन खान एक बार फिट हो गए हैं और फिल्मों में वापसी करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि फरदीन नो एंट्री के सीक्वल से बॉलीवुड में वापसी कर सकते हैं। दरअसल खबर आ रही है कि फरदीन जल्द ही नो एंट्री के सीक्वल के साथ बॉलीवुड में अपनी वापसी कर सकते हैं। अनीज बजमी द्वारा निर्देशित नो एंट्री 2005 में अनिल कपूर, सलमान खान, फरदीन खान, विपाशा बासु, लारा दत्ता, ईशा देओल और सेलिना जेटली के साथ नजर आए थे। अब अनीस बजमी से नो एंट्री सीक्वल को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा नो एंट्री को सभी ने बेहद पसंद किया था और इसके सीक्वल को लेकर मैं भी उत्साहित हूँ। इसी के चलते मैंने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। इसे पूरा करने के लिए मेरे पास एक साल था और अब ये पूरा हो चुका है। मेरी अब तक सबसे पसंदीदा स्क्रिप्ट्स में से एक है। मगर आप जानना चाहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी, तो इसका जवाब देने के लिए निर्माता बोनी कपूर सबसे सही व्यक्ति होंगे। एक लेखक और निर्देशक के रूप में मैं तैयार हूं और उनके इशारे का इंतज़ार कर रहा हूं। वैसे आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।